नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 11 तारीख के बारे में। 11 तारीख आप तो जानते ही हैं, 11 तारीख को कंप्यूटर टीचर वैकेंसी के केस की हियरिंग थी और जिसका केस जो लड़ रहे हैं माननीय डॉक्टर टीएन शर्मा जी। तो आज हम इनकी मुंह जवानी जानते हैं कि उस तारीख को क्या हुआ था। हियरिंग को अपन पूरी डिटेल्स समझते हैं कि उस पर क्या ऑर्डर आए हैं और क्या हुआ है बेसिकली। तो पहला सवाल जानते हैं डॉक्टर टीएन शर्मा जी से। सर, कैसी रही हियरिंग 11 तारीख को? देखिए, हियरिंग अच्छी थी और कोर्ट में जो सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल साहब आए थे, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कोर्ट के अंदर जो सबसे बड़े ऑफिसर हैं, जो बहुत ही सीनियर लॉयर होते हैं, वो एडवोकेट जनरल होते हैं, सबसे सीनियर होते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से। तो उन्होंने कोर्ट को एश्योर किया कि हम 15 मार्च तक सभी काम कंप्लीट कर लेंगे और प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन अपना अरोड़ा जी भी उपस्थित हुई थी, जिनको कि लास्ट हियरिंग पे बुलाया गया था। और दोनों ने एश्योर किया कि अगर 15 मार्च तक का समय हमें मिल जाए तो 15 मार्च तक हम सारा काम कंप्लीट कर लेंगे। कोर्ट का, जैसे कि हमने कोर्ट को ये बताया कि भाई बच्चों के पास कंप्यूटर टीचर नहीं है, गरीब बच्चों के पास जो कि सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कोर्ट ने हमारी बात से बिल्कुल समर्थन किया। कोर्ट ने अपनी चिंता व्यक्त की इस बारे में कि हाँ, ये जरूर सही है कि कंप्यूटर टीचर्स होने चाहिए। कोर्ट ने, चूंकि लंबी प्रक्रिया होती है, कोर्ट भी ये समझता है, तो ऑनरेबल कोर्ट ने 15 मार्च तक के लिए उनको समय दिया कि 15 मार्च तक आप अपना काम कंप्लीट करके लाइए और नेक्स्ट डेट फिर उन्होंने 15 मार्च फिक्स किया। मुझे उम्मीद है कि 15 मार्च तक सभी काम में कंप्लीट कर लेंगे और शायद नोटिफिकेशन बहुत जल्दी 15 मार्च तक या उसके तुरंत बाद हमें मिल सकता है। तो सर, जैसा कि ये अपना तीसरा इंटरव्यू है जी, और अपनी बेसिकली इसी चीज़ पर बात चल रही है कि कब तक वैकेंसी आएगी, तो सर हम लोगों को लगता है और आपको भी शायद लग रहा होगा थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है सर ये जो डिसीजन कोर्ट का आया है 15 मार्च, एक नई डेट दे दी गई, मतलब देखिए, इस ये सब प्रोसीडिंग्स का पार्ट ओके। है ना। हम बिल्कुल इम्पेशंस नहीं हो सकते, हम ये नहीं सोच सकते कि ऑनरेबल कोर्ट एक ही डेट में अपना पूरा डिसीजन दे दे या सरकार एक बार में कोई काम कर दे, क्योंकि ये बड़ी भर्ती है जो कि पहली बार आ रही है। बहुत सारे काम करने होते हैं, सरकार को भी फाइनेंस भी देखना होता है, सरकार की अपनी समस्याएं होती हैं, कोर्ट्स की अपनी प्रोसीडिंग्स होती हैं, इसलिए समय लगता है। कोई बात नहीं, अगली तारीख आई, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि शायद मार्च अप्रैल तक हम नोटिफिकेशन देख पाएंगे और अभी भी मुझे उम्मीद है कि हम मार्च या अप्रैल में शायद हमें नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ऐसी मुझे अभी भी उम्मीद है। सर बेसिकली आप तो जानते ही हैं जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो ज़्यादातर कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ईसी से हैं, कुछ लोग पॉलिटेक्निक से हैं, कुछ लोग हमारे पीजीडीसीए से भी हैं, तो इन लोगों को इंक्लूड किया गया है या फिर ये अभी एक्सक्लूडेड ही हैं? देखिए, जो प्रपोजल पहले भेजा था सरकार ने फाइनेंस में, या आप कहें कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो पहले भेजा था उसमें तो ये लोग नहीं थे, फ्रेंकली स्पीकिंग। अभी जो रूल्स बन रहे हैं उसमें क्या स्थिति है, अभी ऑनरेबल कोर्ट को इन्होंने कुछ सबमिट नहीं किया है। अगर ये सबमिट करते हैं तो उसी के बाद हमें एग्जैक्टली पता चल पाएगा कि क्या सिचुएशन है, क्या इनको इंक्लूड किया गया है या नहीं किया गया है। अगर इंक्लूड नहीं करते हैं तो मैंने पहले भी ये बात कही थी कि जो भी दूसरे लोग हैं, ईसी वाले हो सकते हैं, पॉलिटेक्निक वाले हो सकते हैं, पीजीडीसी हो सकते हैं, कोई और भी, जिनको भी ये लगता है कि हमारा ये हक है, हमें उसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए, एक बार रूल्स नोटिफाई हो जाए उसके बाद उनका ये अधिकार बनता है कि वो चाहे तो माननीय न्यायालय में जा सकते हैं, रूल्स को चैलेंज कर सकते हैं कि हमें भी इंक्लूड किया जाए, ये उनके ऊपर है, ठीक है ना। तो अभी क्या है, वो सब केवल और केवल गफलत है, सारे लोग अपने अपने कयास लगा रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में उसका कुछ भी क्लियर नहीं है जब तक कि गवर्नमेंट की तरफ से ऑनरेबल कोर्ट को ये चीज सबमिट नहीं की जाती। तो सर आजकल तो आपको पता ही है देश में माहौल कैसा है, कुछ भी चीज़ चाहिए होती है उसके लिए आंदोलन करना पड़ता है, वो टाइम दूर नहीं कि घर पर माँ बाप से पैसे मांगने हो तो उसके लिए भी आंदोलन करना पड़ता है। तो काफ़ी मेरे भाई लोगों के सवाल आ रहे थे टेलीग्राम पे, तो वो लोग बोल रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला गवर्नमेंट से, ऐसी तारीख पर तारीख आती रहेंगी और हमें आंदोलन करना पड़ेगा, बिना आंदोलन के तो वैकेंसी नहीं आने वाली। आपकी क्या रोशनी रहेगी इस बात पर सर? देखिए, वैकेंसी तो आएगी, है ना, ये वैकेंसी तो आएगी,
इस वैकेंसी को तो आना होगा, ये जिद है हमारी, आप लोगों की भी डेफिनेटली, तो वैकेंसी तो आएगी। आंदोलन तो हमेशा मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना होता है कि आंदोलन तो जहाँ पर भी हमें लगता है कि हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं आंदोलन करना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हमारी सरकारें इतनी इनसेंसिटिव हो गई हैं कि आंदोलनों का कोई मतलब नहीं निकल पाता है। अभी हाल ही में जो आंदोलन चल रहे हैं या हुए हैं उन सब में हमने देखा है, कोई भी सरकार हो, हमारी किसी भी पार्टी की हो, किस कोई भी सरकार हो, तो आंदोलनों से अभी आज की तारीख में कोई बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन निकल पा रहा है ये थोड़ा मुश्किल है कहना। बाकी मैं तो हमेशा इस समर्थन में रहता हूँ कि भाई आपको अपनी हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। एनीवे ये वैकेंसी आएगी, आप निश्चिंत रहिए, ये इस वैकेंसी को आना होगा, ये आपकी जिद है, ये हमारी भी जिद है, हम सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए कंप्यूटर टीचर उपलब्ध करवाएंगे और सरकारों से ही करवाएंगे। जो सरकारें जिद करके बैठी हैं कि नहीं वैकेंसी नहीं लाएंगे, हम भी जिद करके बैठे हैं कि सरकार को ही लानी होगी, और हम निश्चित रूप से आभारी रहेंगे सरकार की अगर सरकार इस वैकेंसी को लेके आती है। तो सर क्या लगता है 15 मार्च को वैकेंसी की अनाउंसमेंट हो जाएगी? मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम अप्रैल तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, और तब तक 15 मार्च तक हमारे पास माननीय न्यायालय में सरकार सारी चीज़ें उपलब्ध करवाएंगे। देखिए माननीय न्यायालय का भी कहना था, जब हमने कोर्ट को कहा कि ये बार बार टाइम ले रहे हैं, तो माननीय न्यायालय का भी कहना था कि चूंकि एडवोकेट जनरल साहब खुद आए हैं जो कि बहुत सीनियर पोजीशन पर होते हैं, तो उनकी बात का वेटेज होता है, तो हमें उनको टाइम देना चाहिए, ऐसा न्यायालय का भी कहना था, क्योंकि बहुत ही सीनियर पोजीशन होती है, सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं माननीय उच्च न्यायालय के अंदर। तो पूरा विश्वास है मुझे कि सब कुछ पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है, इसको नेगेटिव ना लें, और सरकार बिल्कुल सही डायरेक्शन में काम कर रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वक्त स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा सीरियस है इस मामले में, और मुझे आशा है कि जल्दी ही वैकेंसी भी आएगी और आपके भी सपने पूरे होंगे, हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों के भी सपने पूरे होंगे और बच्चे आगे बढ़ेंगे। सर एक मेरा सवाल था पर्सनली मेरे भाइयों की तरफ से, एक्चुअल में मैं देखता हूँ टेलीग्राम पे काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप पे भी काफ़ी सारी कन्वर्सेशन होती हैं, कुछ लोग काफ़ी मोटिवेटेड दिखते हैं, कुछ लोग काफ़ी डीमोटिवेटेड दिखते हैं। तो मोटिवेटेड तो ठीक है, उनको भरोसा है अपने ऊपर, जो निराश हैं डीमोटिवेटेड हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है ताकि वो भी मोटिवेट हो जाए थोड़ा सा, उनको प्लीज़ एक मैसेज दीजिए आप। देखिए हिम्मत रखिए, अपने पास खोने को कुछ नहीं है, जो है वो पाने को है। आज की तारीख में हमारे पास वैकेंसी तो है नहीं कि हम कुछ खो रहे हों, जो भी आएगा वो अच्छा आएगा और हमें केवल मिलेगा, और अगर हम हार जाते हैं तो हमें कुछ नहीं मिल सकता, हमें लड़ाई जारी रखनी है, ये मान के रखिए कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे और 100% वैकेंसी आएगी। बस आप लोग हिम्मत बनाए रखिए, आप लोग मोटिवेटेड रहिए, आप लोग अपनी लड़ाई अपने तरीके से, जो भी आप सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं या जो आप अगर मैदान में उतर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं उसको कभी भी मना नहीं करता, या मैं कभी भी ये नहीं कहता कि जमीन पर आंदोलन नहीं होने चाहिए, आंदोलन बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र के अंदर, ये आपका हमारा सबका अधिकार है, अगर कहीं गलत हो रहा है तो आंदोलन हमें करना चाहिए, लेकिन डीमोटिवेट होके हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, हमें पूरी हिम्मत से काम लेना है और पूरी तरह से हमें मोटिवेटेड रहना है, अपने आप को बूस्टअप करना है, और नहीं हो तो चाय पी लीजिए, कॉफ़ी पी लीजिए, सब सही होगा, पूरी तरह आप तैयार रहिए, वैकेंसी आएगी, 100% आएगी। तो दोस्तों ये था मेरा इंटरव्यू डॉक्टर टीएन शर्मा जी के साथ, जो कि 11 तारीख को हियरिंग हुई थी, उसके बारे में हमने पूरा ब्रीफ जाना कि उसके क्या पॉइंट थे और हमारे लिए कितने बेनिफिशियल हैं कितने नहीं, वो सारी चीज़ें हमने डॉक्टर टीएन शर्मा जी से जानी। तो मेरा स्पेशली मैसेज उन लोगों के साथ है जो लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, प्लीज़ डीमोटिवेट मत होइए, सर आपके साथ हैं और आप सबके सपोर्ट की वजह से ही सर यहाँ तक आए हैं, और सर को भी आपका सपोर्ट चाहिए और आपको भी सर का चाहिए, तो इसीलिए सर कंटिन्यूसली वीडियो बनाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, ताकि आप लोग बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना हो। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल पे, और अगर फेसबुक पे देखते हैं तो लाइक कीजिए और इसको सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।